गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, वेलकम बैक टू द ई क्लासेस बेटा। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन कंप्यूटर, चैप्टर नंबर वन। आज हम अपना कंप्यूटर पढ़ेंगे, चैप्टर वन, कंप्यूटर आ वंडर मशीन। आप सब कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, यू ऑल नो अबाउट कंप्यूटर वेरी वेल। सो बेसिकली व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन। ये एक बहुत अच्छी मशीन होती है विच हेल्प्स मैन टू कम्प्लीट हिज वर्क इन लेस टाइम, जो किसी भी आदमी को उसका काम कम समय में जल्दी पूरा करने में मदद करती है। चिल्ड्रेन, डू यू नो वॉट मशीन्स आर? क्या आपको पता है मशीन्स क्या होती हैं? लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉमन मशीन्स वी यूज इन द हाउस। हम आज कुछ कॉमन मशीन्स के बारे में देखेंगे जो हम अपने घर में रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ मोबाइल फ़ोन। दिस इज़ द मोबाइल फ़ोन, इट इज़ यूज टू मेक एंड रिसीव कॉल्स। यानी ये मोबाइल फ़ोन है और ये किस काम आता है? कॉल करने और रिसीव करने के आप करती हैं। तो ये क्या है? ये एक मशीन है ना। अगर आप इसको चार्ज नहीं करते हो, डिस्चार्ज हो जाता है, तो क्या ये काम करता है? नो। दिस इज़ अ टेलीविजन, इट इज़ यूज टू वॉच द प्रोग्राम्स। ये क्या है? येस, दिस इज़ अ टेलीविजन वर्क एंड इट इज़ यूज टू वॉच अ प्रोग्राम। इफ़ देर इज़ नो केबल, देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, विल इट वर्क? क्या ये मशीन काम करेगी? नो, इट विल नॉट वर्क। द नेक्स्ट कम्स द एयर कंडीशन। दिस इज़ एन एयर कंडीशनर, इट इज़ यूज टू कीप आवर होम कूल। ये एक एयर कंडीशनर है और ये किस काम में आता है? ये हमारे घर को ठंडा रखता है, राइट? एसी में आप सभी सोते होंगे, सबके घर में अप्रॉक्सीमेटली एसी होगा मेरे ख्याल से। तो ये क्या है बेटा? ये भी एक तरीके की मशीन है। दिस इज़ ऑल्सो अ मशीन। दिस इज़ अ सीडी प्लेयर, इट इज़ यूज टू प्ले म्यूज़िक। ये एक सीडी प्लेयर है जिसके अंदर आप क्या करते हो? म्यूज़िक को बजाते हो। देन दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर, इट इज़ यूज टू कीप आवर फूड कूल एंड फ्रेश। अब फ्रिज सबके घर में पाई जाती है, कॉमन सी बात है। किस काम में आती है? खाने को ठंडा रखने, पानी को ठंडा रखने। अगर कोई ऐसी चीज़ आप लाए हैं जिसको आप यू वॉन्ट टू मेक इट कूल, जस्ट लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट, यू जूसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप क्या करते हो? सबको धो के फ्रिज में मम्मी या आप अच्छे से रख देते हो ना, ताकि वो क्या हो, वो ख़राब नहीं हो, है ना? आइसक्रीम बाहर आएगी तो मेल्ट हो जाएगी ना, बट रेफ्रिजरेटर हमारे खाने को क्या रखता है? ठंडा और ताज़ा। मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। अब मशीन्स बनाई किसने बेटा? ये जितनी मशीनों के बारे में पढ़ा हमने, ये बनाई किसने? दे आर मैन मेड थिंग्स, ये सारी इंसान ने बनाई है। ये सारी मशीन्स को इंसान ने अपने दिमाग से बनाया है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। दिस इज़ अ वॉशिंग मशीन, इट इज़ यूज टू कीप वॉश आवर क्लोथ्स। अब ये वॉशिंग मशीन है, मशीन टाइम सेविंग, राइट? कैसे? आप क्विकली अपने कपड़े इसमें डालते हो, यू पुट ऑन द डिटर्जेंट एंड यू जस्ट स्टार्ट द स्विच ऑन द बटन एंड द मशीन स्टार्ट वर्किंग, है ना? सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ऑल्सो अ मशीन, कम्प्लीट्स आवर वर्क इन लेसर टाइम। हमारा वक्त भी बचाती और हमारे काम को जल्द से जल्द करके ख़त्म भी कर देती है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। ऑल मशीन्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन। सभी मशीनों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, लेट्स सी क्या होती हैं। मशीन वर्क्स फास्ट, मशीनें सारी तेज़ी से काम करती हैं। भाई फ्रिज है, तेज़ी से ठंडा करता है, एसी है, तेज़ी से ठंडा करता है, मोबाइल फ़ोन है, आप यहीं से बैठे बैठे कहीं भी कॉल लगा सकते हैं वेरी इजीली। टीवी पे आप कोई भी न्यूज़, स्पोर्ट्स, सीरियल्स, कार्टून्स, एनीथिंग यू कैन वॉच आउट, है ना? देन मशीन मेक्स आवर वर्क इजी। फिर मशीन ने हमारे काम को क्या कर दिया है? आसान कर दिया है। फॉर एग्जांपल दिस मिक्सर ग्राइंडर, आपको मसाले पीसने, आपने इसमें डाले, स्विच ऑन किया, तुरंत पीस गया। मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, मशीन खुद से काम नहीं करती। इट वर्क्स व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस, इट वर्क्स व्हेन देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली होगी, जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तभी ये मशीन चलेगी। मशीन सेव आवर टाइम, और मशीन हमारे वक्त को भी बचाती है। मोस्ट ऑफ द मशीन्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। देखिए, एज माई पॉइंट इज, बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जो चलने के लिए क्या चाहिए होता है उनको? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली चाहिए होती है। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ आ गया होगा, एंड टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू एंड बी सेफ एट योर होम।